बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी मोहम्मद आजम के शमे अस्पताल को ढहाने का सिलसिला जारी है। यह कार्रवाई शनिवार को ही शुरू कर दी गई थी। कई बीघे में बना यह अस्पताल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के प्रावधानों के खिलाफ था। गंगा के किनारे प्रतिबंधित जमीन पर भी मनमानी कर अस्पताल का निर्माण कराया गया। कल तो अस्पताल की भव्य इमारत दबंगई और रसूख का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन आज ये मलबे का ढेर नजर आ रही है। प्रशासन की भारी JCB गाड़ियां लगाकर यहां हुए अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे टूट रहा है शम्मे हुसैनी अस्पताल। बता दें कि गाजीपुर के मास्टर प्लान के अनुसार जिस जमीन पर यह अस्पताल बना है उसका कमर्शियल प्रयोग भी नहीं हो सकता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद बड़ी लागत से इतना भारी भरकम अस्पताल खड़ा कर दिया गया था। यह अस्पताल कई बीघे में बना हुआ है। इसका निर्माण लगभग 15 साल पहले किया गया था। प्रशासन ने जाँच करके जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उसने साफ किया है कि जब अस्पताल का निर्माण हो रहा था तो इस दौरान मानकों को जानबूझ कर नज़रअंदाज किया गया। सदर SDM प्रभाष कुमार ने 8 अक्टूबर को अस्पताल को ढहाने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ अस्पताल प्रबंधन ने हाई कोर्ट में भी अपील की थी। हाई कोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन को सक्षम न्यायिक प्राधिकार में अपील करने को कहा। DM को इस आपत्ति को 10 दिन में निस्तारित करने का निर्देश मिला। गाजीपुर के DM SP सिंह ने 8 सदस्यीय बोर्ड गठित कर प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के पक्ष को सुना। बोर्ड ने अस्पताल प्रबंधन की आपत्तियों को सही नहीं पाते हुए उन्हें खारिज कर दिया। इसके बाद शनिवार को प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ शम्मे अस्पताल को गिराने पहुंचा। आइए जानते हैं गाजीपुर के ADM ने इस बाबत क्या कुछ कहा। नहीं, ये जो अस्पताल बनाया गया है बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है या इलीगल है, इसलिए से तोड़ा जा रहा है। सुनवाई हो गई, DM साहब क्या चल रही थी, इनकी अपील खारिज हो गई है। क्या ये हॉस्पिटल NGT के निर्देशों के भी बड़ा था? 200 गंगा जी के 200 मीटर के अंदर ही था और पहले तो बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। सर, इन लोग का ये आरोप है कि हम लोग की बातों को पूरी तरह से सुना नहीं गया है। बातों को पूरा सुना गया है, पूरी बात इनकी सुनी गई है, सुनने के बाद ही आदेश पारित किया गया है। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।